GTA सीरीज की गेम को शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना खेला हो या फिर पसंद ना हो। बहुतों की शुरुआत ही गेम्स में GTA को खेलकर हुई होगी। ये गेम्स सभी को पसंद आती हैं। मे बी इसका ओपन वर्ल्ड होना ही वो सबसे बड़ा रीजन हो जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर है, जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो जो आप रियल लाइफ में करना चाहते हो, कोई आपको यहाँ रोकने टोकने वाला नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड टॉप 7 ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में बताऊंगा, और वीडियो की लास्ट में आपके लिए एक सीक्रेट टिप है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं लिस्ट की 7th गेम, जिसका नाम है वॉच डॉग्स 2। बहुत से लोगों ने ये गेम खेला होगा, कई लोगों ने इस गेम का नाम भी सुना होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये एक हैकिंग बेस्ड गेम है जिसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर एक हैकर होता है जो कि गेम में एक बड़े से हैकिंग ग्रुप का पार्ट बनता है। गेम के अंदर इस ग्रुप के थ्रू दिए गए मिशन को हमें पूरा करना होता है अपनी हैकिंग की स्किल्स से। इस एबिलिटी से आप CCTV कैमरा, गैजेट्स वगैरह सब हैक कर सकते हो। अपनी यूजेज के लिए आप किसी की कार भी हैक करके उसे यूज कर सकते हो। GTA 5 और इस गेम में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसके अंदर अपना प्लेयर हैकर होता है, बाकी सब सेम है। आप तोड़फोड़ मचाओ, लोगों को मारो, पुलिस को मारो, कार बाइक्स वगैरह चलाओ, कुछ इलीगल काम करने पे पुलिस भी आपका पीछा करने लगती है। नेक्स्ट गेम जो कि है माफिया डेफिनेटिव एडिशन, ये अपनी ही एक ओल्ड गेम माफिया का ही रिमास्टर्ड वर्जन है। इसके ग्राफिक्स आज के टाइम के हिसाब से इनहेंस किए गए हैं। कैसे एक टैक्सी ड्राइवर एक माफिया ग्रुप का लीडर बन जाता है, इस पर गेम की स्टोरी बेस्ड है। गेम की स्टोरी 1930 के टाइम पे दिखाई गई है, तो आपको व्हीकल्स और एनवायरमेंट सब उसी टाइम का देखने को मिलता है। ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है GTA की तरह, दोनों में ही क्रिमिनल माफिया ग्रुप्स की लाइफ दिखाई जाती है। आप सभी लोग इस माफिया गेम को जरूर ट्राई करना। नंबर 5 पर आती है डेथ स्ट्रैंडिंग। ये गेम पहले PS4 एक्सक्लूसिव थी, रिसेंट में ही ये PC पर भी लॉन्च हुई है। ओपन वर्ल्ड होने के साथ ही साथ इस गेम का मेन हाईलाइट इसकी ग्राफिक्स है, जिसके अंदर रिवर्स, माउंटेन, साइट्स देखने को मिलती है। गेम की स्टोरी इतनी खतरनाक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो क्रिएचर्स दिखाए गए वो इतने ज्यादा डेंजरस है। साथ ही में जिस टाइप के प्लेनेट पर अपना मेन कैरेक्टर है, वहां पर जब जब बारिश होती है और आपका कैरेक्टर उसमें भीग जाता है, तो भीगने से वो एजिड होने लगता है, मतलब कैरेक्टर ओल्ड होता चला जाएगा। गेम खेलने पर इसकी स्टोरी आपको कनेक्टेड रखेगी। ये गेम डेथ स्ट्रैंडिंग टॉप ओपन वर्ल्ड गेम्स की लिस्ट के अंदर आती है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लिस्ट की 4th गेम की बात करते हैं, जिसका नाम है होराइजन जीरो डॉन। ये गेम भी डेथ स्ट्रैंडिंग की तरह अपने ग्राफिक्स और अपनी स्टोरी की वजह से पॉपुलर है। कुछ गेम्स होती है जिनकी स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि हम उसे खेलते नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करते हैं, पर एक बार गेम का एंड करने पर उसकी स्टोरी हमें दोबारा मजबूर कर देती है गेम को खेलने पर। सेम वही स्टोरी इस गेम की भी है। इस गेम में हमारी कैरेक्टर एलॉय एक ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव कर रही है, एनिमल्स से ज्यादा रोबोटिक मशीन देखने को मिलती है जो कि किसी भी इंसान को देखते ही खत्म कर देती है। इसी वजह से यहाँ के लोग छुपकर अपने विलेजेस में रहते हैं। यहीं पर हमारी कैरेक्टर का रोल आता है जो कि इन मैकेनिकल रोबोट्स को मार सकती है एक स्पेसशिप में मिले डिवाइस के जरिए। कॉम्बैट स्किल्स काफी अच्छे हैं गेम के अंदर। ओपन वर्ल्ड होने की वजह से आप गेम में कहीं पर भी बोर नहीं होते, कुछ नया देखने मिल जाता है हर बार। लिस्ट की 3rd गेम की बात करते हैं, जो कि है सैंडस्रो 3 रिमास्टर्ड। ये भी ओल्ड सैंडस्रो का रिमास्टर्ड वर्जन है जो 2020 में आया था, सेम स्टोरी के साथ, बस इसके ग्राफिक्स और टेक्सचर्स वगैरह रिमास्टर्ड किए गए हैं। लगभग काफी सारी सिमिलैरिटीज के चलते इस गेम को एक टाइम पर GTA को कॉपी तक बता दिया गया था, बट साइड बाय साइड कंपैरिजन करने से इसको GTA से डिफरेंट बताया गया। फिर चाहे वो कॉम्बैट स्टाइल्स हो, वेपन्स, सब डिफरेंट था गेम के अंदर। गेम के अंदर कुछ फनी एलिमेंट्स बताऊं तो आप फाइट के दौरान रेसलिंग के मूव वगैरह भी यूज कर सकते हो, जो सच में बहुत फनी लगते हैं देखने में। साथ में वेपन्स के तो क्या ही कहने, कि आप गन फायर करो और सॉलिड फ्लोर से शार्क निकलकर एनिमीज को मार देगी, जिसका कि किसी भी एंगल से कोई लॉजिक नहीं बनता। बट यह सब चीजें गेम के अंदर एक फनी एलिमेंट जरूर ऐड करती हैं। इस गेम को आप जरूर एक बार ट्राई करो, आप इसको GTA का एक अल्टरनेटिव टाइप से देख सकते हो। नंबर 2 पर आती है खुद GTA की प्रोडक्शन कंपनी रॉकस्टार के थ्रू बनाए गए रेड डेड रिडेम्पशन 2, जिसका नाम आपने बहुत ही बार सुना होगा, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स की इन्वॉल्वमेंट जिस भी गेम में होती है वो पॉपुलर हो ही जाती है। ये गेम रियल लाइफ के सबसे क्लोज टेक प्लेस करती है। ब्रीफ में बता दूं तो ये गेम वेस्टर्न थीम पर बेस्ड है। अगर आपके पास एक हाई एंड ग्राफिक कार्ड है तो आप इस ओपन वर्ल्ड गेम से एक हाई ग्राफिक विजुअल एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये गेम इतना ज्यादा रियलिस्टिक है कि इसके डायलॉग्स हर बार डिफरेंट होते हैं और वो सभी एक्स्ट्रा कैरेक्टर रिएक्ट भी रियल वर्ल्ड की तरह ही करते हैं। गेम की स्टोरी 1899 की है, तो वेपन्स, एनवायरनमेंट, बाकी सब चीजें भी इतने ज्यादा एडवांस नहीं है। लोगों का लाइफस्टाइल वगैरह ये सब उसी टाइम का है। रॉकस्टार ने इस गेम को बनाया तो इसका अच्छा होना ऑब्वियस सी बात थी। आपने गेस कर ही लिया होगा लिस्ट की फाइनल और नंबर 1 पर आने वाली गेम का नाम है साइबरपंक 2077। रिलीज होने पर गेम काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में आई, क्योंकि 7 से 8 साल के डेवलपमेंट टाइम पीरियड के अंदर रही गेम ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे लोगों ने इतने लंबे टाइम तक वेट करके एक्सपेक्ट किया था। बात करें तो बग्स की, वो कभी कभार तो फनी लगते हैं, बट इस गेम के अंदर बग्स के चलते वो गेम का मजा और फील टोटली खराब कर रही थी। बट इन सभी चीजों को नजरअंदाज करें तो साइबरपंक आज के टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस गेम है। अगर आप गेम के अंदर मैप एक्सप्लोर करोगे तो वो GTA 5 से ही बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसे आप 100 आवर्स में भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। जब तक GTA 6 रिलीज नहीं होती तब तक तो ये गेम नंबर 1 पर रहेगी ओपन वर्ल्ड की लिस्ट में। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ, ये गेम किसी भी लो एंड पीसी के लिए नहीं है, इसके लिए आपका पीसी काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। यहाँ पर ये टॉप 7 ओपन वर्ल्ड गेम की लिस्ट खत्म होती है। अब मैं बताता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में बताई गई चीज, जो कि ये है कि जितनी गेम्स मैंने
मैंने आपको इस लिस्ट के अंदर बताई है ये सभी की सभी क्रैक कर ली गई हैं। जिन्हें क्रैक गेम्स का मतलब नहीं पता तो YouTube पर ढेर सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें आप डिटेल में जान सकते हो इसका मतलब क्या होता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। फ्यूचर में ऐसी टॉप 10 कैटेगरी टाइप वीडियोस आने वाली हैं, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।